हेलो दोस्तों, आप सभी का सबसे के जाने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक OTG ओप्पो के फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ओप्पो के फ़ोन में, और उस OTG से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप पेन ड्राइव तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको माउस भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। तो मैं माउस और पेन ड्राइव आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना। एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे आपको दिखेगा OTG, तो OTG कनेक्ट करना है इससे आपको, ठीक है। इसको ऑन कर देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर 10 मिनट तक आप कुछ भी कनेक्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो अब हम बैक आते हैं और कैमरा से आपको दिखा देता हूँ। आप या तो शॉप पे जाके OTG केबल बोल सकते हैं या फिर OTG कनेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये OTG कनेक्टर है। यहाँ पे आपको USB, यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। मतलब जैसे USB LED लाइट होती है, वो भी इसमें कनेक्ट हो जाएगी, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। और ये आपके चार्जिंग पॉइंट में लगता है। तो इसके अंदर मैं पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पेन ड्राइव मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइम मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो है 16 GB की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं डिवाइस कनेक्ट करूँगा तो आपको ये शो करेगा। 16 GB से थोड़ा कम शो करता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं होती, ठीक है। 4 GB में 3 पॉइंट समथिंग करता है, वैसे ही 16 GB में 14 पॉइंट समथिंग करेगा। तो हम बैक आ जाते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर ली है। अब मैं आपको फाइल्स में जाके दिखाता हूँ। फाइल्स में जाओगे आप, ऑल फाइल्स में जाना। ऑल फाइल्स में देखो, एक फ़ोन स्टोरेज आ रही है और एक अलग से स्टोरेज आ रही है। अवेलेबल उसमें दिखा रहा है 3.37 GB, और पूरी जो स्टोरेज दिखा रहा है 14.9। जैसे कि मैंने कहा था कि 16 GB की पेन ड्राइव में आपको पूरा 16 GB शो नहीं होता है, ठीक है। तो इस पेन ड्राइव के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें, स्टडी वगैरह, तो आप यहाँ से कुछ भी चला सकते हो। जैसे कुछ मैं, ये दंगल मूवी डली हुई है, तो यहाँ से कुछ भी प्ले कर सकते हो, वो डायरेक्ट चलेगा। ये देखो पूछ रहा है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं चला के तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाते हैं। फिर अब मैं आपको क्या, इसमें माउस चला के दिखाता हूँ कि ये माउस को भी सपोर्ट करता है। अब मैं इसमें माउस कनेक्ट कर रहा हूँ, USB वाला ये, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर माउस चल रहा है, या आपको एरो दिख रहा होगा माउस का। तो मैं इससे क्लिक करके इसको साइड में भी कर सकता हूँ स्क्रीन को, और इसके अंदर मैं कुछ भी चला भी सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैमरा खोल के दिखाता हूँ। कैमरे पे मैंने क्लिक किया तो मेरा कैमरा खुल गया। अब मैं इससे फोकस वगैरह कुछ भी ले सकता हूँ। ये देखो, जहाँ पे टच करूँगा ये वर्क करेगा, ठीक है। मैं इससे फ़ोटो क्लिक भी कर सकता हूँ, ये फ़ोटो क्लिक हो गई। तो आप इससे गेम भी खेल सकते हो, गेम के लिए माउस बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको, आपने देखा कि माउस कितना इजीली काम कर रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की वीडियो मैं आपको ला के देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।